इसराइल पर 7 अक्टूबर के उगते सूरज के साथ हुए हमले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस जंग में हमास के आतंकियों से लड़ने के लिए इसराइल के सैनिक डट कर खड़े हो गए, लेकिन दाद देनी चाहिए इस बहादुर महिला की जिन्होंने वन वुमेन आर्मी की तरह काम करते हुए 25 आतंकियों को मार गिराया और कई जिंदगियों को बचा लिया। महिला का नाम इनबिल लिबरमैन है जो निर एम किबुत्स सुरक्षा की प्रमुख है। इनबिल लिबरमैन के साहस ने निसंदेह किबुत्स के लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसराइल इन इंडिया के ट्विटर अकाउंट से इनबिल की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा गया है, इनबिल लिबरमैन निर एम किबुत्स सुरक्षा की प्रमुख है। हमास के आतंकवादी हमले के समय इन्होंने तत्परता दिखाते हुए सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर इकट्ठा किया और बहादुरी से लड़ते हुए 25 आतंकवादियों को मार गिराया। इस वीरांगना की वजह से पूरे किबुत्स को बचा लिया गया। हम इनबिल के जज्बे और वीरता को सलाम करते हैं। वाकई इनबिल लिबरमैन ने जो कर दिखाया वो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बात करें इसराइल की स्थिति की तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इसराइल के जवाबी हमलों में कम से कम 770 लोग मारे गए हैं और 4000 से अधिक घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने तटीय इलाके में हमास के ठिकानों और मुख्यालयों को निशाना बनाकर हवाई अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है और खबरों के मुताबिक हमास ये कह रहा है कि हमने जो टारगेट अचीव करने थे वो कर लिए, अब हम सीज फायर चाहते हैं, जंग मतलब खत्म, जंग बंदी करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के मुताबिक? अगर तो वो चाहते हैं, देखिए हमेशा मुसलमान यही कोशिश करता रहे कि लड़ाई ना लड़ी जाए, मगर जब आप किसी को हद से ज्यादा तंग करेंगे तो जाहिर है वो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना। ठीक है, तो सारी जो उम्मते मुस्लिमा है उसको साथ को इकट्ठा होना चाहिए। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे जितने भी ममालिक हैं वो इस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे जितना जिस तरह की आना चाहिए। मैं सैयद मुसलमान जैसे मेरा जज्बा है कि मैं कहता हूँ कि जब तक हम नबी पाकलम की हुरमत पे या अपने एक मोमन भाई की जान की हिफाजत के साथ खड़े ना होंगे तो हमारा भी एक वो हमेशा के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। क्या वजह, क्यों नहीं अगर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हर एक का अपना मफाद होता है, हर कंट्री का, वो जाहिर है बिजनेस का भी हो सकता है और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, और वो किसी हतमी जेब नहीं कहा जा सकता कि ये बात है। ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं वो आज भी अगर देखें ना तो अकवामे मुत्तहिदा के जब भाई कितने मुसलमान खड़े थे। दूसरी बात ये है कि क्या इन्होंने प्रिपेयर किया है दुनिया को कि जी हमारे साथ इन्होंने कोई हमारे लिए जो एक टू स्टेट वाला फॉर्मूला है या कुछ है, हमारे कुछ भी नहीं मिला उनका अभी तक है कि वी आर गोइंग टू थ्रो इसराइल आउट इन द सी। ये भी एक अनरियलिस्टिक उनका वो है चार्टर। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज की तरफ वो नहीं आए कभी भी। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है कि इसराइल का खात्मा करके हमने सारा आज़ाद कराना है। जो बाकी पीएलओ और जो अरब हैं वो बहुत देर से इसके लिए तैयार हैं कि इसराइल को भी मान लेंगे, और अब तो पूरा वो इब्राहिमिक अकॉर्ड होने वाला था तो बहुत ज्यादा इस किस्म का। लेकिन यहाँ पे आई थिंक द स्पॉइलर जो है ना इसके अंदर जिसने दोबारा तो इत्तेजाज यही कर रहे थे, हमारा भी बिल्कुल वो सब इत्तेजाज कर, और हम भी उनके साथ ही हैं। जितने मुसलमान हैं उनका दिल उनके साथ ही धड़कता अच्छा, है। अभी एक खबर ये भी है कि इंडिया के जो हैकर हैं, इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये चीज है। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेज हैं वो हैक कर लिए, 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेज हैं वो फलस्तीन की हमास की डिवाइसेज हैक कर लिए और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अब उसका दावा था, सबसे पहले इसराइल का ये दावा था कि हम
हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस अच्छी काम आई है, ठीक हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज्यादा है, क्योंकि अगर वो ज्यादा होती, पावरफुल होती उनकी इस किस्म का इसराइल पे अटैक करना कोई मुनासिब था? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। इससे जो फलस्तीनियों के जस्ट कॉज है कि उनका उनको भी एक डिग्निटी, एक अपनी ऑटोनमी, सॉवरेंटी जो भी है, वो एक पूरा पैकेज होना चाहिए पीस का, जिसमें वो भी इंक्लूडेड हो। तो अब मेरे ख्याल से वो सारा, सबसे पहले तो वो ये हमास को कोशिश करेंगे कि इसका इसका निस्तर नबूत ख़त्म कर दें, जो मुझे नज़र आ रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि इट्स एन ऑल आउट वॉर, इट्स नॉट एन ऑपरेशन। क्या वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस दफ़ा इसराइल का जो है ना काउंटर ऑफेंसिव, वो बहुत मुझे लगता है बहुत पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा, और इसकी सफरिंग सारी जो है वो फलस्तीनियों पे आएगी। बाद में फिर अरब वो जो काउंसिल है वो क्या करेगी, ज़्यादा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ना रिकंस्ट्रक्ट करने के, बहुत दुनिया इससे तंग आ चुकी है। डॉक्टर साहब ये बताइए जी, सॉरी फरमाए जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कई लोग कहते हैं कि मुसलमान इस तरह स्ट्रेटेजिक थिंकर्स नहीं है जिस तरह वेस्ट में है, हम आप देखते हैं यूरोप देखें, अमेरिका देखें, उस तरह लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करते कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं एक ऐसा डेकेड्स का प्लान या सेंचुरीज का प्लान। माजी में तो कहा जाता है कि मुसलमान बड़ा लंबा सोचते थे, आज कल इस तरह लंबा नहीं सोचते, आप इसको कैसे देखेंगे और ये गलतियां जो है वो टेक्निकल लेवल पे की जा रही है, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? मेरे मैंने भी अपने कई प्रोग्राम में कहा है कि मुसलमानों का जो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है कि दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। अब देखे ना, आपने हमला कर दिया, कितने दिनों तक आप इसको बैकअप कर सकते हैं, नंबर वन। सो क्या मिलिटरली ये सस्टेन हो सकता है, लेट्स से 6 महीने तक, जबकि गाजा के अंदर ही आप फंसे हुए हैं। हाँ, उधर समुंदर है और गाजा जो है बड़ा नैरो किस्म का है, आपने देखा है उसका वो